सेवा जुहार साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर शहीदों का दर्जा क्यों नहीं मिला, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप एक सच्चे आदिवासी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। जैसे कि आप सभी बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते और पढ़ते आ रहे हैं, और साथियों आदिवासी समाज में भी बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाकर देश की आज़ादी के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो साथियों उनका नाम सम्मानपूर्वक शहीदों के नाम के साथ लिखा जाना था, जो कहीं ना कहीं लिखितकारों से भूल हुई है। और साथियों आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी वीर बिरसा मुंडा जो देश के हित के लिए शहीद हो गए, और तो और रानी दुर्गावती जो एक महिला शासिका थी जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और वो भी शहीद हो गई थी। साथियों इनके नामों को शहीदों के नामों के साथ ना जोड़ने का यह एक कारण हो सकता है कि इतिहासकार हमारे आदिवासी शासकों के बलिदानों को छुपाना चाहते हैं। अगर शहीदों के समर्पण में आदिवासियों का नाम होता तो देश के हर संवैधानिक दीवार और सरकारी दफ्तरों में बाकी शहीदों के साथ हमारे आदिवासी शहीदों की तस्वीरें लगी होती, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या आदिवासी शासकों के बलिदानों का व्यर्थ जाना सही है? साथियों जितना हक बाकी सभी लोगों का है उतना हक हमारा भी है, और जो हमारे आदिवासी शासक हैं उनको शहीदों का पूरा दर्जा मिलना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सेवा जुहार।